नमस्कार, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अब बिहार के लोगों को दूध भी महंगा मिलने वाला है। एक तरफ जहां बिहार के लोगों को महंगाई की मार सहनी पड़ रही थी, वहीं अब दूध की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों का पॉकेट अब और भी ढीला होने वाला है। बता दें कि दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दूध हमें चाय के लिए भी चाहिए, खीर बनाने के लिए भी चाहिए, मिठाई के लिए भी चाहिए और बच्चों के लिए भी चाहिए होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से लोगों को और भी महंगाई की मार सहनी होगी। बता दें कि दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और इसके साथ ही दूध की कीमतों की नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुधा डेयरी ने अपनी दूध की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है। 11 अक्टूबर से सुधा दूध की कीमतों में 3 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको पता है कि सुधा दूध बिहार के घर घर में जाता है। ऐसे में अचानक दूध की कीमतों को बढ़ा देने का मतलब है कि अब इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सुधा दूध में कई प्रकार के दूध आते हैं। सुधा गोल्ड आता है, सुधा काउ मिल्क यानी कि सुधा गाय का दूध आता है, सुधा का हेल्दी दूध आता है। इन तमाम दूध की कीमतों को भी सुधा डेयरी की ओर से बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सुधा गोल्ड का 1 लीटर का पैकेट पहले 56 में मिलता था, अब वहीं उसकी कीमत बढ़ाकर 59 रुपए कर दी गई है और अब लोगों को इतनी ही कीमतों में दूध दिया जाएगा। इसके साथ सुधा शक्ति भी 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि सुधा गाय का दूध यानी कि सुधा काउ मिल्क भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बताते चले कि महंगाई से परेशान लोगों का सामना एक बार फिर दूध की बड़ी कीमतों से होने वाला है। सुधा ब्रांड अपनी सभी दूध की कीमतों को बढ़ाने वाला है और ये नई कीमतें 11 अक्टूबर से बिहार में लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों को सुधा ब्रांड का दूध 3 रुपए प्रति लीटर महंगा मिल सकता है। वहीं पटना डेयरी प्रोजेक्ट के द्वारा सुधा दूध के अलग अलग वैरायटी की रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसे पूरे राज्य में 11 अक्टूबर को लागू कर दिया जाएगा। अगर पटना डेयरी के द्वारा जारी की गई लिस्ट की बात करें तो नए लिस्ट के मुताबिक सुधा गोल्ड दूध का 1 लीटर का पैकेट अब 56 की जगह 59 रुपए में बेची जाएंगी। वहीं सुधा गोल्ड की आधा लीटर की पैकेट की कीमत पहले जहां 28 रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। सुधा शक्ति की कीमत 51 रुपए कर दिया गया है, गाय का दूध 46 से बढ़ाकर 48 और सुधा हेल्दी की कीमत 44 से बढ़ाकर सीधा 46 तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूध की कीमतों को जीएसटी नीति में संशोधन किए जाने के बाद बढ़ाया गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ेगा। दूध की बड़ी कीमतों को लेकर प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार राज्य में दूध की कुल खपत में सुधा दूध की अकेले की हिस्सेदारी 60% है। आपको बता दें कि बिहार में स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कॉम्फेड की स्थापना सन 1983 में की गई थी, जिसके तहत सुधा दूध का उत्पादन शुरू किया गया और किसानों से दूध की खरीद शुरू की गई। अब सुधा की पहुँच बिहार, झारखंड के साथ साथ दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी हो गया है। कॉम्फेड बिहार में प्रतिदिन 19 लाख लीटर से ज्यादा दूध किसानों से खरीदती है और उसे बाजार में उपलब्ध करवाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।